वो साल 2004 था जब पंकज त्रिपाठी ने रन फिल्म के अपने छोटे से रोल से हिंदी फिल्मों में अपना डेब्यू किया था। लेकिन वो फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर थी जिस फिल्म से उनके एक्टिंग टैलेंट को लोगों ने जानना शुरू किया। इस फिल्म में उन्होंने इतना तगड़ा परफॉर्मेंस दिया कि उनके एक्टिंग का लोहा सबको मानना पड़ा। वो अपने एक्टिंग को आगे और भी अच्छा करते गए। 2017 में आई फिल्म न्यूटन, जो कि ऑस्कर के लिए इंडिया से ऑफिशियल एंट्री थी, उस फिल्म के लिए पंकज त्रिपाठी को नेशनल अवार्ड स्पेशल मेंशन का राष्ट्रीय पुरस्कार अपने चरित्र को निभाने के लिए मिला था। उनके बहुत से पॉपुलर परफॉर्मेंसेस के अलावा उन्होंने कुछ ऐसे शोज़ और फिल्में की है कि आप शायद उसे मिस कर गए, जो कि आपको पता होना चाहिए। आज के इस एपिसोड में हम उन्हीं फिल्मों पर बात करने वाले हैं। नंबर 10 पर है मसान। मसान साल 2015 के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक थी। लोगों ने विक्की कौशल और ऋचा चड्ढा के परफॉर्मेंसेस को खूब पसंद किया था। मसान में पंकज त्रिपाठी जी के सिर्फ दो ही सीन थे, लेकिन इन दो सीनों से ही उन्होंने अपनी छाप इस फिल्म पर छोड़ी है। आप अकेले रहते हैं? नहीं, हम पिताजी के साथ रहते हैं। पिताजी अकेले रहते हैं, मतलब दिन में अकेले रहते हैं। 9 नंबर पर है तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म दुसुकिल था, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। फिल्म में विष्णु मंचू और लावण्या त्रिपाठी की मुख्य भूमिकाएं थी। पंकज त्रिपाठी ने इस फिल्म में मिनिस्टर दिलेश्वरा राव के व्यक्ति, जो कि विलेन है, उसकी भूमिका निभाई थी। उनके इस परफॉर्मेंस को लोगों ने खूब सराहा। పాదయాత్ర చేస్తూ నాన్న చెప్పినట్టు జనాల సింపతి దొరుకుతుంది, వాడు దొరుకుతాడు। आज के हमारे लिस्ट में नंबर 8 पर है सटायरिकल ड्रामा फिल्म कॉफी विथ डी। हालांकि ये फिल्म कमर्शियली अनसक्सेसफुल रही, पर फिल्म में सुनील ग्रोवर, जाकिर हुसैन और पंकज त्रिपाठी की अच्छी एक्टिंग आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। इस फिल्म की कहानी एक न्यूज़ एंकर की है, जो कि अपने लाइफ का सबसे अच्छा इंटरव्यू लेना चाहता है। गिरधारी, इन्होंने जो बिल्डर को धमकी के लिए बोला था, हमारी तरफ से फोन ही नहीं गया उसको। बैलेंस नहीं था फोन में। 7वें नंबर पर है 2016 की फिल्म ग्लोबल बाबा। फिल्म की कहानी आध्यात्मिक गुरुओं पर आधारित है, जो कि भारतीय कल्चर में सदियों से उपस्थित है। फिल्म का विषय इतना अच्छा होते हुए भी फिल्म उस दर्जे की नहीं बन पाई, लेकिन पंकज त्रिपाठी का परफॉर्मेंस जरूर देखने लायक है। ये आप लोग थी ग्लोबल बहन है, क्या है? ग्लोबल बहन है। सिर्फ तुम्हारी बहन है। 6ठे नंबर पर है, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मुख्य भूमिका थी, वो फिल्म अनवर का अजीब किस्सा। इस डार्क कॉमेडी फिल्म का प्रीमियर ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के लंदन फिल्म फेस्टिवल में 2013 में हुआ था। इंडिया में ये फिल्म नवंबर 2020 में रिलीज हुई। इस फिल्म में नवाज के अलावा पंकज त्रिपाठी और अनन्या चटर्जी की भूमिकाएं थी। बुद्धदेव दासगुप्ता, जो कि बंगाली और भारतीय सिनेमा के बहुत बड़े फिल्म मेकर है, इस फिल्म से उनकी वापसी हिंदी सिनेमा में हुई थी। फिल्म की कहानी एक प्राइवेट डिटेक्टिव, जो कि नवाज का कैरेक्टर है, उसकी है, जो अपने ही जीवन को इन्वेस्टिगेट करने का निर्णय लेता है। उसे किन किन पड़ाव से गुजरना पड़ता है, यह आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। जब कॉलेज में पढ़ता था, तब सोचता था अंटार्कटिका पे जाऊंगा, वहां नॉर्थ पोल पे कहीं घर बनाऊंगा। 5वें नंबर पर है 2013 की थ्रिलर ड्रामा फिल्म माजी, जिसमें सुमित निझावान और मोनू वसु मुख्य किरदार में थे और पंकज त्रिपाठी, जाकिर हुसैन और मोहम्मद जीशान अय्यूब सहायक भूमिका में थे। फिल्म को क्रिटिकली ढेर सारा अप्रिसिएशन मिला था, लेकिन ठीक से रिलीज ना हो पाने के कारण कमर्शियली ये फिल्म फेल हो गई। ये डायरेक्टर जयदीप चोपड़ा की पहली फिल्म थी। फिल्म की कहानी एक ऐसे परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जो अप्रत्याशित आपदा से जूझ रहा है। पंकज त्रिपाठी के एक्टिंग टैलेंट का और एक एग्जाम्पल है 2017 की क्राइम फिल्म गुड़गांव। पेपर पर आपको लग सकता है कि उनके बहुत से चरित्र एक जैसे हैं, लेकिन उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से अपने आप को कभी दोहराया नहीं। फिल्म की कहानी एक रियल इस्टेट टाइकून की है, जो पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर है। उनकी बेटी को किसी ने किडनैप किया है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। हेलो बापू, हमारी बेटी से बात करा। बात बेहोश है। कितना पैसा चाहिए बोल? 5 लाख। 5 लाख? अब पहले किसी को नहीं उठाया क्या? 3रे नंबर पर है
2010 की टीवी सीरीज पाउडर, जो कि सोनी टीवी पर आई थी। अभी ये नेटफ्लिक्स पर भी अवेलेबल है। गैंग्स ऑफ वासेपुर से मशहूर होने से पहले भी पाउडर सीरीज से पंकज जी ने क्राइम लॉर्ड की भूमिका निभाई थी। पाउडर सीरीज में पंकज त्रिपाठी ने नावेद नाम के चरित्र की भूमिका कुछ इस तरह से निभाई कि उनका ख्वाब भी हो और उसकी दया भी आए। नार्कोस से कई साल पहले हमारे यहाँ ड्रग्स को लेकर पाउडर नाम से ये सीरीज आई थी। बॉम्बे में आने वाले कोकेन, गांजा, हेरोइन और मैनड्रैक्स का 80% बिजनेस ये आदमी करता है, नावेद अहमद अंसारी। इधर ही सब शुरू हुआ था। करीम लाला, वरदराजन, हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम, अपने धंधे के टाटा बिरला अंबानी, यही लोग थे। दूसरे नंबर पर है 2008 की फिल्म मिथ्या। कहा जाता है कि इसी फिल्म से पैरेलल सिनेमा का बॉलीवुड में कमबैक हुआ था। फिल्म में रणवीर शौरी और नसीर साहब की मुख्य भूमिकाएं थी। फिल्म में पंकज त्रिपाठी का छोटा सा रोल था, पर फिर भी उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया था। और आज के हमारे इस लिस्ट में नंबर एक पर है 2007 की फिल्म धर्म, जिसमें सुप्रिया पाठक, पंकज कपूर और पंकज त्रिपाठी थे। इस फिल्म को 2007 का बेस्ट फीचर फिल्म और नेशनल इंटीग्रेशन का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। रिलीजन का असली मतलब क्या होता है, इस पर फिल्म की कहानी आधारित है। सूर्य प्रकाश हिंसा घोर अपराध है। ये कर्म भूमि है पंडित जी, और यहाँ उपदेश नहीं चलेगा, ये चलेगा ये। पकड़ सारे को। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।